हेलो एंड वेलकम बैक इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस टू कैलकुलेट द मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट सबसे फर्स्ट मेथड हमने देखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सेकंड मेथड आपने देखा था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने पहले प्राइम फैक्टर्स किए थे सेम नंबर्स को पेयर किया था और उसके बाद उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया था सेकेंड हमने देखा लॉन्ग डिवीजन मैथड जिसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो लॉन्ग डिविजन मैथड उस पर अप्लाई करके नेक्स्ट मेथड है टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट दैट इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स आपको ऑड नंबर्स को सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते जाना है गिवन नंबर्स में से और फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा अब सब्ट्रैक्शन आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक आपके पास जो रिजल्ट है वो जीरो ना आ जाए सप्ट्रैक्शन करने के बाद जो वैल्यू है वो जीरो ना आ जाए लेकिन ये जो मेथड है ये आप बहुत बड़े नंबर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते बहुत छोटे नंबर्स हैं अगर आपको उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है वहां तक ही आप इसको वहां पर ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करना कर तो कोई भी नंबर के लिए हम सकते हैं लेकिन अगर आप माइनस करते जाओगे करते जाओगे तो वो लेंदी हो जाएगा तो क्लास एट चैप्टर नंबर टू स्क्वायर रूट्स Methods of finding Square Root. Method number three by successive subtraction. अब सक्सेसिव success, सब्ट्रैक्शन uh, का मतलब क्या है यहाँ पे ये हमको समझना है एक थ्योर uh, एक uh, आपको रिजल्ट याद होगा कि जब भी आप ऑड नंबर्स को प्लस करते हो वन प्लस थ्री अपन से ही देख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वन प्लस थ्री सिर्फ ऑड नंबर्स को ऐड करना है आपको वन से लेके फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं जैसे हमने दो ऑड नंबर्स को ऐड किया तो वन प्लस थ्री दैट इज़ फोर फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर नेक्स्ट हम ऐड करते हैं वन प्लस थ्री प्लस फाइव वन प्लस थ्री प्लस फाइव तो जब आप सम करोगे तो वैल्यू कितनी आई आपके पास नाइन दैट इज थ्री का स्क्वायर सिमिलरली वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन नंबर ऑफ ऑर्ड नंबर्स कितने हो गए फोर इनको ऐड करते हैं हम वन प्लस थ्री फोर नाइन नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन को हम क्या लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर सिमिलरली वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नेक्स्ट ऑर्ड नंबर हो जाएगा आपके पास नाइन ऐड करते हैं इसको यहाँ तक सम आपके पास सिक्सटीन आ चुका था सिक्सटीन प्लस नाइन आप करोगे तो रिजल्ट आएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एस फाइव का स्क्वायर तो यहाँ से एक पैटर्न आपको पता चला कि जैसे आप ऑर्ड नंबर्स को प्लस करोगे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में भी पढ़ा था जब भी एन ऑड नंबर्स को आप प्लस करते हो तो वो एन स्क्वायर के इक्वल हो जाता है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर के इक्वल होगा यहाँ पे दो ऑड नंबर्स हैं वन टू तो ये किसके इक्वल हो रहा है टू का स्क्वायर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्ड्स हैं आपके पास वन टू थ्री फोर थ्री स्क्वायर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्ड्स हैं आपके पास वन टू थ्री फोर फोर स्क्वायर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्क्वायर सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखें वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस 7 टिल टू एन माइनस वन टू एन माइनस वन एक ऑड नंबर होगा टू का से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से माइनस वन किया है तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये ऑड नंबर होगा तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा एन स्क्वायर के तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर की जब प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वहाँ हमने ये डिस्कस किया था तो जब हम ऐड करके स्क्वायर निकाल सकते हैं तो क्या सप्रैक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जैसे आपने एड करके यहाँ पे स्क्वायर निकाला तो अगर फोर में से हम सक्सेसिव सप्ट्रैक्ट करते जाएं ऑर्ड नंबर्स को सक्सेसिवली सप्ट्रैक्ट करते जाएं एक के बाद एक माइनस करते जाएं तो क्या हमें उसका स्क्वायर रूट मिल सकता है तो चेक करते हैं अपन फॉर एग्जाम्पल अपन फोर से स्टार्ट करते हैं याद रखना सप्ट्रैक्ट क्या करना है आपको सिर्फ ऑर्ड नंबर्स को सप्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर रूट ऑफ फोर और कब तक सप्ट्रैक्ट करना है जब तक आपके पास रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं आ जाए तो फोर फर्स्ट ऑर्ड नंबर आपके पास कितना है वन तो फोर माइनस वन किया आपने कितना आया रिजल्ट आपके पास थ्री अब इस रिजल्ट में से नेक्स्ट ऑर्ड नंबर को माइनस करना है तो थ्री माइनस नेक्स्ट ऑर्ड नंबर हो गया आपके पास थ्री रिजल्ट कितना आ गया जीरो कितने ऑर्ड नंबर्स माइनस हुए कितनी बार ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ा कित वन थ्री तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा टू टू टाइम्स टू ऑर्ड नंबर्स को आपने सब किया इसलिए रिजल्ट कितना आ गया टू आ गया जो फोर का स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया टू आ गया तो ये जब ऐड करके स्क्वायर मिल रहा था सक्सेसिवली सप्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिल रहा है स्क्वायर रूट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर टू वन टू अब नेक्स्ट अपन ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन तो माइनस करते जाते हैं ट्वेंटी फाइव माइनस वन सबसे पहले फर्स्ट ऑर्ड नंबर को माइनस किया दैट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में से आपने माइनस किया थ्री को रिजल्ट आया आपके पास 21 21 में से आपने माइनस किया 5 को 1 3 5 7 सक्सेसिवली आपको माइनस करना है तो रिज़ल्ट आएगा आपके पास 16 सब प्राक्टर ने पे वैल्यू आई 16 16 में से आप 7. 1, 3, 5, अब माइनस होगा सेवन वन थ्री फाइव अब नेक्स्ट क्या माइनस होगा सेवन जैसे ही सेवन माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा नाइन अब इस नाइन में से आपको क्या माइनस करना है नेक्स्ट ऑर्ड नंबर ये वन थ्री फाइव सेवन नेक्स्ट ऑर्ड नंबर कितना हो गया नाइन नाइन माइनस नाइन एज ज़ीरो तो जो आपका डिफरेंस आया वो कितना आ गया है जीरो फाइनली अब इसके बाद आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है अब जब डिफरेंस जीरो आ चुका है तो देखो कितने ऑड नंबर्स माइनस किए आपने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स अप्रैक्शन आपने किया देर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इज फाइव यहाँ पे हमने ऐसे किया था देखो वन थ्री फाइव सेवन नाइन को प्लस करके हमको फाइव का स्क्वायर मिल रहा था वन थ्री फाइव सेवन नाइन को सब्रैक्ट करके 25 का स्क्वायर रूट मिला एक और एग्जांपल से चेक करते हैं अपन 64 का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो अगेन आपको ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करना 64 1 इज 63 63 में से आपको माइनस करना है f3 को 60 माइनस 5 इज 55, 55 फिफ्टी माइनस सेवन इज 48, 48 फोर्टी माइनस नाइन इज 39, सेम 1, 3, 5, 7, 9. सप्रैक्ट करते जा रहे हैं हम सप्रैक्ट कब तक करते जाना है जब तक आपके पास जीरो नहीं आ जाए रिजल्ट 39 माइनस नेक्स्ट और नंबर हो गया आपके पास 11. 11 को माइनस किया 28, 28 ट्वेंटी माइनस थर्टीन आपने किया 5, 1. नेक्स्ट 15 माइनस अब नेक्स्ट और नंबर आएगा 15. 15 माइनस फिफ्टीन एज जीरो क्या फाइनल रिजल्ट जीरो आ गया है आपके पास अब जैसे ही फाइनल रिजल्ट आपके पास जीरो आ गया है इसका मतलब आगे आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अब देखो यहाँ पे काउंट करते हैं कितने बार हमने सब्ट्रैक्शन को फॉलो uh, किया, किया है सब्रैक्ट कितने टाइम्स किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर इज एट स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर हमें कितना मिल गया एट मिल गया तो so, इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं बस अगर नंबर छोटा है तो ईजी होगा ईजिल अपट्रैक्शन हो जाएगा अगर नंबर बड़ा है तो आपको यही प्रोसीजर तब तक करना पड़ेगा जब तक कि उसका स्क्वायर रूट ना मिल जाए आपको जीरो ना आ जाए रिजल्ट जैसे हम हंड्रेड का भी करके देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर फोर स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड हमें कैलकुलेट करना है बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन तो माइनस करना स्टार्ट करते हैं हंड्रेड माइनस वन इज़ नाइन्टी नाइन नेक्स्ट नाइन्टी नाइन माइनस थ्री इज नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स माइनस फाइव इज नाइन्टी वन नाइन्टी वन माइनस सेवन एटी फोर एटी फोर माइनस नाइन वन थ्री फाइव सेवन नाइन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको माइनस करते जाना है करते जाना है यहाँ आ गया आपके पास सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव माइनस यहाँ आपके पास आया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर माइनस अब देखो 11 तक तो अपन माइनस कर ही चुके हैं यहाँ पे 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा आपके पास थर्टीन फिफ्टी वन अब फिफ्टी वन में से सप्रैक्ट होगा थर्टीन थर्टीन के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा आपके पास ऑर्ड नंबर फिफ्टीन सिर्फ और नंबर्स ही सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें तो ये हो गया आपके पास सिक्स थर्टी सिक्स माइनस अब नेक्स्ट ऑड तो नंबर कितना हो जाएगा आपके पास सेवनटीन तो सेवनटीन को माइनस करते हैं नाइनटीन, नाइनटीन माइनस नाइनटीन अब ये नाइनटीन और देखो यहाँ पे थर्टीन, फिफ्टीन सेवनटीन तो नेक्स्ट ऑर्ड नंबर कितना आ जाएगा नाइनटीन नाइनटीन माइनस नाइनटीन एज जीरो नाइनटीन में से नाइनटीन को सप्ट्रैक्ट किया रिजल्ट कितना आया ज़ीरो तो क्या फाइनल रिजल्ट आपको फाइनल सप्ट्रैक्शन जो है वो कुछ जीरो मिल चुका है फाइनल वैल्यू जीरो आ गई इसका मतलब आगे हमें इसको प्रोसीड नहीं करना है अब काउंट करते हैं कितने ऑर्ड नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन टाइम्स सब्रैक्शन हुआ है टेन टाइम्स आपने सक्सेसिवली सप्ट्रैक्ट किया है ऑड नंबर्स को देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड इज तो ये एक और मेथड था आपका तीन मेथड अभी तक हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के फर्स्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था सेकंड आपने पढ़ा बाय लॉन्ग डिवीजन और थर्ड आपने पढ़ा सक्सेसिवली सक्सेसिवली सब्ट्रैक्शन तो इन मेथड्स की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा सकता है बस इस मैथड के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन नहीं कहेंगे आप अप्लाई किसी भी नंबर पर कर सकते हो पर अगर आप बड़े नंबर्स के लिए करते हो तो यही मैथड बहुत लेंदी हो जाएगा छोटे नंबर्स तक ये पैटर्न है जो आप याद कर सकते हो ये पैटर्न कहीं पे भी यूजफुल हो सकता है आपके लिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अब आपको कोई नंबर गिवन था उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हमने सीख लिया किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं अब इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है कहीं पे भी अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ़ ऑफ़ फ्रैक्शंस कोई भी नंबर अगर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म में अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट आपको कैसे कैलकुलेट करना है तो उसको हम देखते हैं देखो अगर आपके पास ए और भी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हैं हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि हम पॉजिटिव नंबर्स का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ही रियल नंबर होता है तो अगर आपके पास ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी दो नंबर्स हैं ए एंड बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसको क्या करो ए मल्टीप्लाई बी फॉर एग्जाम्पल तो या तो हम क्या कर सकते हैं पहले ट्वेंटी मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आएगा उसका हम स्क् रूट कैलकुलेट करें पर यहाँ पे ट्वेंटी और डायरेक्टली प्रॉपर्टी यहाँ पे कर सकते हो दोनों को सेपरेट करके लिख देते हैं अपन स्क्वायर रूट ऑफ 25 फाइव मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी आएगा आपके पास 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 नाइन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं डायरेक्टली हम इनके वैल्यूज टेबल से आपको लर्न हो आप लिख सकते हो टेबल से इनके वैल्यूज़ ये आपको लर्न होना चाहिए ये सेवन मल्टीप्लाई बाय फाइव इज थर्टी फाइव तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हो उसका स्क्वायर रूट निकालते हो उसकी जगह आप इजीली दोनों का अलग-अलग uh, आपने किया उनको दोनों को सेपरेट किया और दोनों का सेपरेट करके आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जो फाइनल रिजल्ट्स आए स्क्वायर रूट्स जो आए आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे बेस्ड तो ये सिर्फ कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए है 144 100 144 अगेन आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है 100 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर तो आप डायरेक्टली इसको सेपरेट कर दो 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास 12 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास 10 फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 120 तो अगर कोई भी दो नंबर्स आपको प्रोडक्ट में दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं और उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो आप उनके स्क्वायर रूट को सेपरेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो ये तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी अगर आपको इस तरह का नंबर गिवेन स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी तो इसको सेपरेट करके कैसा लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी कहीं भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये एक नंबर है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वैल्यू पॉइंट्स में आए डेसिमल में आए तो उसको पहले सॉल्व करना डिवाइड करना और फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने से इजी है कि हम उसको सेपरेट कर लें न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें और डिनोमिनेटर का अलग से कैलकुलेट कर लें जो भी वैल्यू आए उसमें उसका डिवाइड कर दें तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन एग्जाम्पल देखते हैं पहले एग्जाम्पल अंडर रूट सिक्सटी फोर अपॉन एटी वन अब 64 में पहले 81 का डिवाइड किया जाए फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाए उससे ज़्यादा इजी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81 इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो जाएगा आपके पास 8 एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा एट एटी वन एटी वन का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास नाइन तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एट अपॉन नाइन तो आप ये जो कैलकुलेशन बहुत लेंदी थी डिफिकल्टी उसको आपने सिंपली उसको सॉल्व कर दिया 169 अपॉन 196, अगेन डिवाइड करके फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने से इजी है कि हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें अपॉन 196 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, 196 का हो गया है 14. तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 13 अपॉन 14. तो इस इन प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन पे बेस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन फाइंड सॉल सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 529 डिवाइडेड बाय 841. तो क्वेश्चन आपको गिवेन है 529 अपॉन 841 का स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना वही फर्स्ट मैथड जैसे मैंने आपको बताया या तो आप पहले डिवाइड करो डेसिमल में वैल्यू निकालो उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें हम या फिर हम क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है फाइव ट्वेंटी नाइन अपॉन एट फोर्टी वन को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ट्वेंटी नाइन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एट फोर्टी वन ऐसा हम लिख सकते हैं इसको जब हमने इसको ऐसा लिख दिया 529 और 841 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखते हैं अगर आपको डायरेक्टली लर्न है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 1 से 30 तक की टेबल हमने लिखा है तो 529 का स्क्वायर रूट और नहीं तो फिर हम लॉन्ग डिविजन मैथड जो हमने सीखा है उसी से हम सॉल्व करते हैं फाइव लिखा है हमने अब फाइव में स्टेप्स लर्न आ, याद करो पीछे से पेयरिंग करते हैं हम दो दो डिजिट्स की तो यहाँ पे हो गया ट्वेंटी नाइन और यहाँ हो गया आपके पास फाइव और फाइव को हम टू में कन्वर्ट करने के लिए लिख देते हैं जीरो फाइव नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ हो गया जीरो फाइव और ये हो गया आपका ट्वेंटी नाइन अब स्टेप नंबर टू फर्स्ट स्टेप थी आपकी लेफ्ट से पेयरिंग पेयरिंग आपने की फर्स्ट नंबर आ चुका है आपके पास जीरो फाइव जीरो फाइव से नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर अब आपको ढूंढना है तो वन स्क्वायर इज वन टू स्क्वायर इज फोर थ्री स्क्वायर इज नाइन नाइन जो है वो बड़ा हो गया इसका मतलब कितने टाइम डिवाइड होगा ये टू टाइम्स अब टू को कहाँ लिखते हैं अपन थ्री टाइम्स अपन को उसको लिखना है वन टू थ्री यहाँ पे रिजल्ट आया आपके पास जीरो फोर बाहर होता है प्लस डिवाइड के अंदर हम करते हैं माइनस जब आप माइनस करोगे यहाँ रिमाइंडर आएगा आपके पास वन और यहाँ से और यहाँ हो जाएगा एड ये हो गया टू प्लस टू फोर यहाँ से आपको अब आप पूरा पेयर नोट करना है पूरा पेयर हो गया आपके पास ट्वेंटी नाइन सिंगल डिजिट कभी भी नोट नहीं होगी पूरा पेयर नोट होगा अब यहां पे देखिए आपको मिल चुका है फोर अब फोर के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जैसे फोर्टी वन यहाँ हम ट्राई करते हैं फोर्टी वन को वन से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट आया आपके पास फोर्टी वन ओनली 41 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 84. अब 40 अब 43 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 3 फोर 12. ट्वेल्व क्या एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल गई जो हमें रिक्वायर्ड थी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मिली थ्री टाइम्स तो अब थ्री को कहाँ कहाँ प्लेस करना है यहाँ 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 आ गया वन ट्वेंटी किया रिजल्ट आया आपका ज़ीरो और यहाँ इसको हम ऐड करके छोड़ देते हैं तो इसका मतलब फाइव ट्वेंटी का स्क्वायर रूट तो आपको मिल गया ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास ट्वेंटी थ्री तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ टेबल में हमने लिखा भी था और लर्न भी किया होगा आप लोगों ने तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो उसको नेक्स्ट आता है आपके पास 841, 841 का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 841, अगेन अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं स्टेप्स वही रहेगी सेम वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है पीछे से पेयरिंग की आपने 41 एक पेयर हो गया एट सिंगल है तो इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं तो जीरो एट सेकेंड पेयर हो गया हमारा अब एट से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो वन स्क्वायर वन टू स्क्वायर इज फोर थ्री स्क्वायर नाइन नाइन अगेन एट से बड़ा हो गया इसका मतलब किस क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम टू का स्क्वायर तो ये टू टाइम्स टू टाइम्स और यहाँ भी टू तो ये हो गया आपके पास जीरो फोर यहाँ करना है प्लस अंदर होगा माइनस माइनस करने पे यहाँ वैल्यू आई आपके पास फोर और यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास फोर नेक्स्ट नेक्स्ट पेयर हम नोट करेंगे तो नेक्स्ट पेयर आएगा आपके पास फोर्टी वन नेक्स्ट नंबर कितना आ गया है आपके पास फोर्टी वन आ गया है और यहाँ पे ऐड करने पे रिजल्ट कितना आया आपके पास यहाँ पे ऐड करने पे आपके रुजल्ट पास रिजल्ट आया है फोर तो आप अगेन फोर से अपन स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर को तो वन टाइम जब आप करोगे तो फोर्टी वन आएगा तो अब नेक्स्ट अपन थोड़ा बड़े नंबर्स लेते हैं फाइव तक पहुंच जाते हैं एक बार फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव कैरीट टू फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी टू टू फाइव अबी बीच जो प्रोडक्ट आ रहा है वो छोटा आ रहा है इसका मतलब आप सिक्स से ट्राई करके देखते हैं फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई किया सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स ट्वेंटी नाइन अभी भी रिजल्ट बहुत छोटा आ रहा है तो अब सेवन को स्किप करते हैं अपन एट से ट्राई करते हैं फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाई एट 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 सिक्सटी फोर थर्टी एट थ्री एट फोर थोड़ा सा नियरेस्ट है पर अभी भी नंबर छोटा है एक बार नाइन से और ट्राई कर लेते हैं हम फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन 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 जटी वन कैरी एट नाइन फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एट फोर्टी फोर क्या सेम रिज़ल्ट एक्जैक्ट रिजल्ट मिल गया आपको तो कितने टाइम्स मिला आपको नाइन टाइम्स तो नाइन को लिखा है यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे फोर फोर्टी वन माइनस किया यहाँ रिमाइंडर आ गया आपके पास ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको फिफ्टी एट तो रिमाइंडर जीरो आ चुका है इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भी आपको है, तो आप भी इसको लिख सकते है ट्वेंटी अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो ये क्वेश्चन था रूट 529 841, जिसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ट्वेंटी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 841 स्क्वायर रूट ऑफ 529 आपने कैलकुलेट किया रिजल्ट आया आपके पास 23 और स्क्वायर रूट ऑफ 841 आपने कैलकुलेट किया रिजल्ट आया आपके पास 29 सो फाइनल रिजल्ट जो आ गया वो आ गया है आपके पास 23 अपॉन 29 सो so, इस तरह से अपन और भी क्वेश्चन करते हैं आगे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है आपके पास 23 अपॉन 29 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है आपको 42 583 डिवाइडेड बाय 1369 एक मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर और इसका फाइनल स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना है फाइनल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो इसको अपन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे जो रिजल्ट आएगा उसमें ये नंबर ऐड होगा तो अपन सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फाइव एटी थ्री अपॉन वन थ्री सिक्स नाइन इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है देखो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे वन थ्री सिक्स नाइन होगा फोर्टी थ्री से वन थ्री सिक्स नाइन बाय फोर्टी टू प्लस फाइव एटी थ्री को आपको ऐड करना है डिवाइडेड बाय वन थ्री सिक्स नाइन जब इस नंबर को आप सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है वो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास फाइव एट जीरो एट वन और डिवाइड में अभी भी वही चल रहा है आपके पास वन थ्री सिक्स नाइन डिनोमीटर में कोई चेंजेस नहीं है तो so यहाँ पे आपके पास वापस फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन चुकी है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लिया है हमने मिक्स फ्रैक्शन जो गिवन था उसको सिंपल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया अब नेक्स्ट आपको करना क्या है न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो देखो इसको अभी अपन आइडेंटिटी जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फाइव एट ज़ीरो एट वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन थ्री सिक्स नाइन तो इन दोनों ही नंबर्स का स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपन न्यूमरेटर से स्टार्ट करते हैं सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन अप्लाई करते हैं आप चाहो तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ट्राई कर सकते हो अभी हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं फाइव एट जीरो एट वन तो इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है लॉन्ग डिविजन मैथड अप्लाई करेंगे हम तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं जब आपने पीछे से पेरिंग की आपके पास तो और पे में करने के लिए। अब 0, 5 से छोटा आपको फाइंड आउट करना है।, तो again, का टेबल, का टेबल आपको है ही सही वन स्क्वायर इज वन टू बड़ा हो गया इसका मतलब डिवाइड होगा डिविजन होगा ओनली टू टाइम्स तो टू का स्क्वायर तो टू तीन बार लिखना होता है हमको जीरो फोर यहाँ लिखा प्लस माइनस फाइव माइनस फोर किया रिजल्ट आया आपके पास वन नेक्स्ट पूरा पेयर यहाँ पे नोट होगा तो कितना हो जाएगा वन एट जीरो पूरा पेयर आपको नोट करना है दोनों रिजल्ट को एक साथ नोट करना है यहाँ बाहर हम करते हैं प्लस तो फोर टू प्लस टू हो गया आपके पास फोर अब देखो फोर आ चुका है अगेन अब आपको पता है फोर के साथ हम कैसे वन एटी से छोटा नंबर लेकर आना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा फोर्टी वन टू से जब करेंगे तो हो जाएगा आपके पास एटी फोर थ्री से जब मल्टीप्लाई किया तो आया वन ट्वेंटी नाइन फोर से एक बार चेक करते हैं फोर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे फोर्टी फोर को तो आ जाएगा आपके पास वन सेवेंटी सिक्स तो वन सेवनटी इसके नियरेस्ट होगा इसका मतलब जो डिवाइड हुआ वो कितने टाइम्स हुआ फोर टाइम्स तो फोर टाइम जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 176 माइनस यहां पे माइनस किया आपने 4 और यहां पर एड होके हो गया आपके पास 48 नेक्स्ट हम नोट करते हैं 81 तो अब यहां जो नंबर हो चुका है नेक्स्ट पेयर जैसे ही आपने नोट किया तो नेक्स्ट नंबर हो गया आपके पास 481 आप देखो यहां पे 48 तो है ही सही तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वन टाइम ही डिवाइड होगा 481 एटी वन मल्टीप्लाई बाय इज फोर ओनली तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे हम माइनस किया रिजल्ट जो आ गया वो आ गया जीरो और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं टी टू तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आया आपके पास फाइव एट जीरो एट वन का वो आया आपके पास टू फोर्टी वन फाइव एट जीरो एट वन इज इक्वल्स टू टू फोर्टी वन तो ये फर्स्ट स्क्वायर रूट हमें न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट मिल चुका है अब हम ट्राई करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर है आपका 1369 तो 1369 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं सेम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करेंगे यहाँ पे 1369 तो स्टेप नंबर वन सेम स्टेप्स है हमेशा आपको हर जगह वही स्टेप्स स्टेप फॉलो करना है अगर आप लॉन्ग डिवीजन से आ, कभी भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हो तो पीछे से पेयरिंग करनी है डिजिट्स की आपको सिक्सटी एक एट डिजिट थर्टीन पूरा एक पेयर हो गया आपके पास ग्रुप हो गया अब 13 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 छोटा है इसके तो 3 टाइम्स ये आ गया 9 आपके पास यहाँ पे 3 लिखा ये प्लस हो गया 6 और ये माइनस पास बचा 4 नेक्स्ट पेयर को नोट करते हैं अपन 69 अब 69 आपको मिल चुका है यहां पे यहां पे 6 मिल चुका है तो 6 के के साथ साथ स्टार्ट करते हैं प्रसिद्ध मल्टीप्लाई बाय किया, देखो। 61 किया 61, 60, अब थोड़ा आगे चलते हैं से करके देखते हैं थ्री हंड्रेड तो, 30 तो मतलब इससे बड़ा ही कोई नंबर है अब यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हो यहाँ जो यूनिट डिजिट आ रही है आपके पास नाइन आ रही है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए नाइन आनी चाहिए इसका मतलब नाइन कब कब आपको मिलता है एक तो थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और एक सेवन का स्क्वायर होता है फोर्टी नाइन तो क्या हम डायरेक्टली इसको सेवन से ट्राई करके देखें एक बार तो जब आप सेवन से ट्राई करोगे सिक्सटी सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन सेवन सेवनजा फोर्टी नाइन कैरी फोर सेवन सिक्स जब फोर्टी टू प्लस फोर फोर्टी सिक्स तो ये भी एक uh, आप टाइम इसमें अपना बचा सकते हो यूनिट डिजिट से भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो अगर लास्ट में नाइन आ रहा है इसका मतलब या तो थ्री से मल्टीप्लाई करके देख लें हम या फिर सेवन से करके देख लें थ्री से आंसर नहीं आ रहा है तो सेवन से आएगा और सेवन से भी नहीं आ रहा है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रिमाइंडर बच जाएगा आपके कर, पास कहीं ना कहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि सेवन से इसको डिवाइड करने पर आपके पास एग्जैक्टली रिजल्ट आ चुका है जब आप करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास जीरो बाहर आप करते हो प्लस तो यहाँ आ गया आपके पास सेवन तो जो स्क्वायर रूट आपको मिला वो मिला आपको थर्टी सेवन फॉर स्क्वायर रूट कितना आ गया आपके पास थर्टी सेवन तो आपको न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट पता है आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट पता है तो क्या आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इसका स्क्वायर रूट आया था आपके पास 241 और इसका स्क्वायर रूट आया आपके पास 37 सेवन फॉर फाइनल आंसर इज टू फोर्टी वन अपॉन थर्टी सेवन तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जब भी आपको फ्रैक्शन वाली फॉर्म गिवन है तो सिंपली आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से कैलकुलेट कर लो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से कैलकुलेट कर लो बिल्कुल सेपरेट इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन Next question, Question number three simplify square root of 225 upon 729 minus square root of 25 upon 144 divided by square root of 16 upon 81 पॉडमास टाइप का क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे एक हमें सॉल्व करना है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन वाली फॉर्म दिख रही है और स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा है स्क्वायर रूट उसका कैलकुलेट करना तो सिंपल जो अभी तक हमने सीखा है न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से कैलकुलेट करना है डिनोमिनेटर का अलग से कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो हम सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिल्कुल जो स्क्वायर रूट्स हमें पता है वो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सब उस वन से थर्टी वाली टेबल में है अगर आपको टेबल लर्न है तो बहुत ही ईजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर टेबल लर्न नहीं है तो फिर आपको एक एक का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जो फर्स्ट फ्रैक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ टू टू फाइव डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी नाइन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ट्वेंटी सॉरी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो मैक्सिमम इसमें जितने भी स्क्वाय मैगजिम uh, क्या सारी स्क्वायर रूट्स इसमें जितने भी आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और ये सब उस टेबल में ही प्रेजेंट हैं तो हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर तो इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर को जब भी आप स्टार्ट करो तब सबसे पहले वन टू थर्टी तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए ये वैल्यू आ गई फिफ्टीन 729 अगर आपने टेबल लर्न किया होगा तो 729 आपको पता होगा कि ये 27 का स्क्वायर होता है अपॉन 27 माइनस 25 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 5 5 into 5 is 25 तो 25 का स्क्वायर रूट आपको मिल गया है 5 144 144 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 12 डिवाइड 16 4 का 16 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 4, और 81 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो रिजल्ट आएगा आपके पास नाइन रैशनल नंबर हम सबने पढ़ा है वैसे ही सॉल्व करना है ये कुछ फ्रैक्शन हमको गिवन है सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये दोनों को प्राइम नंबर्स तो है नहीं तो उनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ये फाइव और ट्वेंटी सेवन तो थ्री की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा फाइव टाइम्स और ये कैंसिल होगा नाइन टाइम्स तो ये वैल्यू आ गई आपके पास फाइव बाई नाइन नेक्स्ट ये आ गया आपके पास फाइव अपॉन ट्वेल्व मल्टीप uh, डिवाइड है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं हम और उसको फिर उसका रेसीप्रॉपल कर देते हैं ये हमने राशनल नंबर में देखा था तो उसको हम लिख सकते हैं नाइन अपॉन फोर रेसीप्रोकल कर दिया हमने फ्रैक्शन का अब नेक्स्ट देखो फाइव अपॉन नाइन माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व तो यहाँ पे ये दो रैशनल नंबर्स आ चुके हैं फ्रैक्शन आ चुके हैं और दो फ्रैक्शन को सप्ट्रैक्ट करना हमने सीखा है रैशनल नंबर वाले चैप्टर में कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं एलसीएम तो नाइन और ट्वेल्व का एलसीएम हम कैलकुलेट करके देखते हैं यह आ गया आपके पास नाइन और ट्वेल्व नाइन uh, और नंबर है लेकिन ट्वेल्व इवन है इसका मतलब ये टू से डिविजिबल होगा तो नाइन और ये सिक्स टाइम्स अगेन सिक्स ईवन है तो ये टू से डिवाइड करते हैं इसको थ्री टाइम्स अब नाइन और थ्री दोनों ही और नंबर आ चुके हैं टू से दोनों में से कोई भी डिविजिबल नहीं होगा इसलिए अब डायरेक्टली हम डिवाइड करते हैं इसको थ्री से थ्री टाइम्स यह आया वन टाइम और ये आ गया आपके पास थ्री टाइम्स अगेन फॉर जो एलसीएम आया है आपके पास दोनों नंबर का वो आया है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री एलसीएम ऑफ नाइन एंड ट्वेल्व नाइन थर्टी सिक्स एलसीय एस थर्टी सिक्स तो यहाँ हम लिख लेते हैं इनका एलसीय थर्टी सिक्स नाइन की टेबल में थर्टी सिक्स आएगा फोर टाइम्स न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से ट्वेंटी 12 की टेबल में थ्री टाइम्स न्यूमरेटर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थ्रीजा फिफ्टीन या आ गया आपके पास 9 बाय फोर तो फाइनल जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 20 माइनस फिफ्टीन फाइव अपॉन थर्टी सिक्स इंटू नाइन अपॉन फोर नाइन से ये कैंसिल होगा फोर टाइम्स तो फाइनल जो आंसर आएगा आपके पास फाइव फोर मल्टीप्लाई बाय फोर दैट इज फाइव अपॉन सिक्सटीन तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन था उसको फाइनली सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया वो आया आपके पास फाइव अपॉन सिक्सटीन तो ये था अपने पास स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिव सक्सेशन मेथड नेक्स्ट आपने देखा कि कभी भी नंबर्स अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में या फ्रैक्शन में गिवन है तो उनका स्क्वायर रूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डेसिमल वाले नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है देन थैंक यू